पे देखिए दोस्तों, ये है महाकाल का मंदिर। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पे स्वागत है। मैं हूँ इस टाइम पे उज्जैन में, जो कि ये है मध्य प्रदेश के एक इंदौर के जस्ट बगल में है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है। तो आज हम लोग आए हैं अपने दोस्तों के साथ उज्जैन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए उज्जैन। और यहाँ पे एक कॉरिडोर बना है उज्जैन पे, बहुत बड़ा है कुछ, तो ऐसे सुनने में आया है। तो अपन चलेंगे दर्शन करने। तो हम इस टाइम पे पहुँच चुके हैं, जस्ट मंदिर के जस्ट सामने हैं। तो चलिए, आज संडे है तो भीड़ भी ज़्यादा है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक, और चैनल में नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग अंदर प्रवेश हो चुके हैं। अभी हम लोग ये सब कुछ लगवाने का चार्जेस जो भी लगता है, आप 10-5 रुपये दे सकते हैं वहाँ पर और आराम से लगवा सकते हैं। तो आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो अभी चलते हैं अंदर और करते हैं कुछ सेल। तो दोस्तों देख लीजिए भीड़ कितना भयानक है। अभी मंदिर तक जाते हैं तो फिर क्या हाल होता है ये आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी चलते हैं जस्ट। और रात के समय पे हम दिखाएंगे कॉरिडोर, तो इस वीडियो को पूरा देखना। आगे चलते जा रहे हैं अपन। जैसे देखिए भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। अभी से काउंटर और फटाफट आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं तुरंत। अगर आप श्री के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 250 का चार्जेस लगेंगे। यहाँ से आप VIP का टिकट ले सकते हैं। टिकट लेने के बाद आपको 250 का टिकट लेना पड़ेगा, तो आप लाइन पे नहीं लगेंगे, फटाफट आपको दर्शन हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग अंदर आने आ गए हैं, जहाँ पे अपना बैग वैग रखते हैं। तो दोस्तों जैसे हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है भैया लोगों से, प्रसाद लेके, और जहाँ पे आप प्रसाद लें तो वहीं पे बैग आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम चालू है तो काउंटर पे आप यहीं पे बैग वगैरह रखना होगा। ले लिया है, आप प्रसाद लेके चलेंगे महाकाल जी का दर्शन करने के लिए। बैग और अपना शूज रख दिए, तो चलिए फटाफट चलते हैं महाकाल। बस चल दिए, यहाँ पे कॉरिडोर का काम चालू है तो इस वजह से शायद अच्छे से अभी दर्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या पता। आज संडे भी है तो ज़्यादा भीड़ है और कॉरिडोर अभी बन रहा है ना, बन रहा है, तो इस वजह से 40% बना है, अभी 60% बाकी है, तो इसीलिए काम चल रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो रहा घूमने में। लेकिन आप जब तक आएंगे तो शायद बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, पूरे दर्शन के लिए पूरे लाइन लगाना पड़ेगा। ये है मंदिर, महाकाल जी का मंदिर ये है। ये जो आप सामने देख रही हैं वो मंदिर है। और यहाँ से ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ। देखिए ये कॉरिडोर का कुछ रास्ता है, लेकिन अपन लोग चलेंगे मंदिर, अभी दर्शन कर लेंगे महाकाल का, इसके बाद जाएंगे। तो अभी रास्ता देखते हैं यहाँ पे कुछ। तो ये इधर महाकाल जी का मंदिर, जो कि इतना बड़ा लाइन लगाना पड़ता है बताओ यहीं से। और लोग अभी कंफ्यूज होए जा रहे हैं कि कहाँ से मंदिर जाना है, क्योंकि रास्ता पूरा चेंज हो चुका है। जब से कॉरिडोर बना हुआ है तब से रास्ता पूरा चेंज हो चुका है। तो यहाँ से चलते हैं, अपना अंदर चलेंगे, इसके बाद जैसे ही पूरे अंदर से जाना पड़ेगा हमें तो फिर आपको दिखाते हैं, लेकिन लंबा लाइन लोग होता है। तो देखिए दोस्तों भीड़ कितना काफ़ी ज़्यादा है। चलो चलो चलो, हमारे ब्रदर चले गए। बना है पूरा, अभी बना है। तो भैया सुनील भैया थक के विश्राम करने लगे हैं। विश्राम कर रहे हैं। बोले संजय कभी पता नहीं है कहाँ। बम्बम बोले। ये गेट है, इसके द्वारा अपन लोग अंदर चल रहे हैं। और गेट से अंदर जाते हैं, देखिए। यहाँ से आगे चलेंगे तो भाड़ा भर भागे जा रहे हैं। देखो स्पीड, सिर्फ लाइन के वजह से स्पीड चल रहे हैं लोग। काफी मजा आ रहा है घूम घाम के एकदम महाकालेश्वर मंदिर। और मंदिर में जाने से पहले ये भी होता है ना कि जल्दी दर्शन। राम नहीं, यहाँ भोले शंकर बोलो। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अंदर आ चुके हैं, और अंदर आने से किस प्रकार से इधर लाइनअप बनाया गया, लेकिन अभी भीड़ नहीं है। ये देखिए इधर लाइनअप बनाया गया, लेकिन लाइनअप है नहीं, क्योंकि अभी भीड़ थोड़ी कम है। ज्यादा भीड़ होने के कारण फिर ऐसा लाइन जाना पड़ेगा। वहाँ तक पहुँचने के लिए इसी को परिक्रमा करते रहो। अभी देखो इधर कितना भीड़ है। बस जय बस नहीं बोलो आगे कुछ। बोल बम 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 बोल ब
चल रही है ना कुछ। बम बम बोले छवि नया बना है क्योंकि पहले ये सब कुछ नहीं था। ये प्रवेश मार्ग है, यहाँ से अपन अंदर जाएंगे। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, महाकालेश्वर मंदिर। आपको अभी दिखाते स्क्रीन पे, ये है महाकाल जी, अभी आपको हम पूरा दर्शन कराएंगे। तो सामने चलते हैं, ऐसा लाइन लग के आना पड़ेगा, जब भीड़ होगा तो ऐसे लाइन लग के आना पड़ेगा। सोचो महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि में सेम कंडीशन। ये अभी सामने से कुछ बिल्डिंगें टूट रही हैं और बन भी रही हैं, क्योंकि पूरा एकदम नया बना के तैयार करना है। इसलिए तो अपन लोग कतार भाई चल रहे हैं के, और काफी मजा भी आ रहा है। कहे कि ऐसे ही दर्शन पा जाओ तो मजा। तो ये है मंदिर महाकाल, तो अभी चलते हैं अंदर। दर्शन करने के लिए इतना लंबी लाइन। तो अभी यहाँ इधर काम चालू है, अभी पूरी काम नहीं हुई है, लेकिन जब बन जाएगा तो मस्त दिखेगा। तो अभी इधर देखिए कुछ नई बिल्डिंगें बनी हुई है, अब यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे। काशीमय मंदिर, अब देखिए दर्शन हो पाता है कि नहीं, इतनी भीड़। ये प्रवेश है, अपन को यहाँ छूना है। जय महाकाल, चलते हैं अंदर। देखिए बड़ा सकरा हाल है, देखो कैसा भीड़ है यहाँ। इधर है महाकाल, महाकाल है। देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए आपको दिखाते हैं अंदर। आपको जो सामने से नीचे दिख रहा होगा ये महाकाल जी का, अभी आदमी नीचे चलते हैं फिर आपको दिखा महाकालेश्वर मंदिर के अंदर। देखिए देखिए बाबा महाकाल जी का दर्शन के लिए आप ये फोटो देखिए, लेकिन क्राउड ज्यादा है। देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, आपको अभी दिखाते हैं महाकाल जी को, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छे से दर्शन करने को मिलेगा। तो फटाफट चलते दर्शन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अभी फटाफट चलते हैं दर्शन के लिए, हो जाए दर्शन। ये सुनील मोबाइल निकाले, मोबाइल निकाले, चला बस बस फटाक से चल। बाबा महाकाल जी को दिखाते हैं आपको, जो कि अभी हम बहुत करीब से हैं, देखने को मिलेगा वहाँ पर महाकाल। ये इधर महाकाल, ये देखिए महाबा महाकाल, आपको दिखाते हैं बाबा महाकाल। ये देखिए दर्शन कर लिया है और आपको भी दिखा दिया, काफी ज्यादा क्राउड। तो फाइनली दोस्तों, अब ये है देखिए महाकाल जी का मंदिर, जो कि अभी अंदर गए थे आप हम लोग और दर्शन करके आए हैं। दर्शन के बाद यहाँ पे देखिए क्राउड कितना ज्यादा है, एकदम भरा भरा क्राउड है, क्योंकि आज आज है रविवार,
21 में व्यक्ति बुला गए। तो ये देखिए बाबा महाकाल, ये तो ये देखिए दोस्तों, ये है महाकाल जी का मंदिर जो कि अंदर, और भीड़ कितना ज्यादा है। सूर्य भगवान सामने से ही आ रहे हैं तो आपको अच्छे से देखने को ना मिल रहा होगा, लेकिन काफी अच्छा है। तो अभी हम लोग कर लेते हैं फोटो वोटो शूट, इसके बाद चलते हैं बाहर। ये हमारे पूरे पंडे बाबा। तो दोस्तों कितना ज्यादा भीड़ है आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि जनसंख्या आज भारी हुई है। आज है संडे में भीड़ रहता ही है, और अभी थोड़ी बन जाएगा, सब कुछ अभी बना नहीं है, इसके कारण आने जाने में दिक्कत हो जाता है, मंदिर का रास्ता ही भूल जाता है, लेकिन लिखा हुआ है। तो फाइनली दोस्तों आपको दिखाते हैं, ये है महाकाल जी का मंदिर जो कि काफी ज्यादा भीड़ है, वीडियो वगैरह बनाने का अलाउड नहीं है। ये आप देख लीजिए, इधर है कुछ और मंदिर, लेकिन धूप की वजह से आ नहीं रहा है। और ये बाबा महाकाल जी, महाकालेश्वर मंदिर, और सामने कुछ है पंडाल वगैरह, अभी आपको चलेंगे पंडाल वगैरह दिखाएंगे। तो अभी फटाफट ये लोग सब कोई लोग करते हैं फोटो शूट, और एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जो जिसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा कि आप यहाँ पे महाकाल पे दर्शन किस प्रकार से कर सकते हैं, कितना क्या चार्जेस रहता है, और अंदर मंदिर का भी दर्शन आप किस प्रकार से कर सकते हैं जहाँ महाज्योति लेना। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों को दर्शन कर लिया है, अब दर्शन के दौरान अब आ गए हम यहाँ पे, और एक आपको सूचना बताते हैं कि आप बाहर से लड्डू नहीं लें प्रसाद के लिए, अंदर ही मिलता है एकदम शुद्ध देसी घी का लड्डू। तो आपको काउंटर दिखाते हैं, उसका रेट बताते हैं कि क्या रेट से मिलता है, कैसा क्या है। ये हमारे सर आ चुके हैं, तो अभी आपको काउंटर दिखाते हैं और सब कुछ। रेट है प्रसाद काउंटर जो कि, और रेट की बात करें तो लड्डू का भोग प्रसाद 100 ग्राम मिलेगा 40 रुपये में, मतलब 360 रुपये किलो मिलता है। तो ये प्रसाद काउंटर है जस्ट मंदिर, इधर मंदिर है, मंदिर के जस्ट बगल में है प्रसाद काउंटर, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। तो यहाँ से ये लोग सब कोई, हम लोग प्रसाद ले लिए हैं। अब ये प्रसाद भका भक मारने में लगा हुआ है बंदा, भूख लगा है, अभी फ्री वाला खाना खाया है तब पर ही भूख लगा है। तो आगे आपको दिखाते हैं कुछ मंदिर जो कि प्राचीन श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर है, जो कि ये देखिए सामने, यहाँ पे फोटो वीडियो अलाउड नहीं है, बाहर बाहर से आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है सामने पूरे मंदिर जो कि महाकाल जी के मंदिर के जस्ट बगल पे ही है। तो आपको अभी चलिए दर्शन करते हैं अंदर और फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए क्राउड कितना ज़्यादा है आज के दिन, पता नहीं सिद्ध विनायक गणेश मंदिर को दर्शन करने के लिए देखिए कितनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। तो अभी चलते हैं दर्शन कराते हैं आप लोगों को भी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा लगा हुआ है और बिना कतार के जाने नहीं देते, लेकिन हम अभी कोशिश करेंगे। ये देखिए गणेश जी का मंदिर, यहाँ पे धागा बंधवाते हैं लोग। तो चलिए अब कुछ इस प्रकार से इधर भी मंदिर है जो कि, और ये मंदिर है कुछ इधर, तो चलिए चलते हैं दर्शन कर लिए हैं। और ये माता भद्रकाली इधर है माता जी कुछ, और आगे बीच में भी अपन देख नहीं सकते हैं ये कुछ भगवान, और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अनादिकालपेश्वर महादेव मंदिर, ये मत चलते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ इस प्रकार से मंदिर है। तो अनादिकालपेश्वर माता, यहाँ वृद्धकालेश्वर मंदिर है जो कि, ये देखिए इधर सामने थे वैसे में, और बहुत ज़्यादा मंदिर है। अभी अब हम आपको दिखाएंगे कॉरिडोर वगैरह, यहाँ पे हो रहा है कीर्तन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी प्रसाद काउंटर है, यहाँ पे भी प्रसाद आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ से चलेंगे तो अंदर भी कुछ भगवान हैं, यहाँ से अपन लोग दर्शन नहीं करते, आगे चलते हैं कुछ जैसे बाहर निकलेंगे तो अगर है कॉरिडोर तो वहाँ भी दर्शन करेंगे। हम लोग ने दर्शन कर लिया है, इधर से चलेंगे अब बाहर चलते हैं, यहाँ से नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको दिखाते हैं ये कुछ मंदिर है, और यहाँ से चलते हैं अपन लोग बाहर। हम लोग जहाँ से एंट्री किया था वहीं से अब बाहर आ चुके हैं, क्योंकि अभी दिखाते हैं आप लोगों को बाहर जाने का ये रास्ता। अभी अपन लोग एंट्री नीचे से किए थे, अब जो बाहर यहाँ से जा रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ से जाएंगे बाहर, देखो क्राउड ज़्यादा है।
तो आज तो एकदम खतरनाक। अभी हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए हैं, जहाँ पे अपना बैग वैग रखे थे, तो बैग वैग ले लेते हैं, इसके बाद चलेंगे विक्रमादित्य। ये सब कुछ कहाँ कहाँ है क्या कुछ जानकारी अभी मेरे को भी नहीं है उतना, लेकिन आपको दर्शन कराने के लिए ले जाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और अभी आपको आगे लेके चल रहे हैं, तो जहाँ हम लोगों ने रखा था ये अपने शूज वूज तो फिर से ले लिए हैं, और फिर लेके यथावत रखा गया था भैया लोगों द्वारा, लेकिन आप भी आके यहाँ रख सकते हैं, और ये रखने का कोई चार्जेस नहीं लगता है, सिर्फ प्रसाद लेते हैं तो 10-20 रुपए। तो चलिए चलते हैं विक्रमादित्य कुछ करके हैं यहाँ पे पास ही में, तो वहाँ घूमने चलते हैं, इसके बाद आपको दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, ये है विक्रमा टीला का खुलने का समय। विक्रमा टीला इधर है, विक्रमादित्य का कुछ द्वार जो कि काफ़ी मस्त लग रहा है, अभी आपको दिखाएंगे कॉरिडोर जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है इधर से। अपन जाते हैं पहले, तो इधर आपको दिखाते हैं कॉरिडोर का नज़ारा, जो देखिए नाइट में कितना मस्त लग रहा है। तो अभी आपको वहाँ, ये बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, आपको बता चुके ये बाबा महाकाल का मंदिर, और इसकी के जस्ट बगल से ये कॉरिडोर जो अभी अभी बना हुआ, देख लीजिए अभी ये मंदिर है, और पीछे साइड विक्रमादित्य जी का स्टैच। तो ये देखिए इधर, ये है महाराजा विक्रमादित्य, इन्हीं जी के द्वारा बनवाया गया था। विक्रमादित्य के सभा में नवरत्न जो पाए थे उनका ये कुछ नाम है, देख लीजिए, और उनका कुछ स्टैचू बनाया गया है, अमर सिंह और ये शंकु, ये धन्वंतरी, ये कालिदास, और ये हैं विक्रमादित्य, महाराजा विक्रमादित्य। आपको और दिखाते हैं इसके बारे में, आपको बताते हैं सांस्कृतिक पुरुष की उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य के दानवीर तीस के तेजस्वी व्यक्तिगत की, ये सब कुछ लिखा जो है सिंहासन 32 से और 32 की जगह में प्रसिद्ध कथा के, ये रूप आप पढ़ लीजिएगा, इनका कुछ रूप हैं। और आपको दिखाते हैं कुछ स्टैचू, ये जो कि पूरे स्टैचू है। तो दोस्तों इसी के जस्ट बगल से हैं कुछ नदी है, छिप्रा नदी तालाब के रूप में कुछ, तो आगे है कॉरिडोर जो कि ये देखिए अभी अभी बना हुआ है। तो फाइनली दोस्तों आपको घुमा दिए पूरा महाकाल, और अब नेक्स्ट, तो चैनल में नया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और महाकाल का पूरा वीडियो देखने के लिए और जो भी जानकारी के लिए एक और वीडियो बना के रखा हूँ, तो जाके चैनल में और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक, और चैनल में नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले, बाय बाय।